मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सुना आपने, पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान पर बात ही नहीं करते और ना कभी करेंगे। लेकिन अगर आप इसे सच मानने वाले हैं तो जरा ठहर जाइए और पीएम मोदी के कुछ पुराने बयान सुन लीजिए। इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण के बीच हो रहा है। बीजेपी एनडीए का पूरा प्रयास अपनी मेहनत से देशवासियों को संतुष्ट करने का है। वहीं इंडी अगाड़ी वाले अपनी साजिशों से अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण में लगे हैं। कांग्रेस ने तो अपना पूरा मैनिफेस्टो ही मुस्लिम लीग ही बना दिया है। साथियों, कांग्रेस तुष्टिकरण के दल दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, यानी कांग्रेस ठेकेदारी में भी धर्म के आधार पर कोटा देगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माजा राम रे, अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की सेवा से परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को सहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। साथियों, तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। यहां हैदराबाद में भी एमआईएम को इसलिए ही खुली छूट दी गई है। वोट बैंक ना नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही पीआरएस हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है। क्या अब आपकी कुछ राय बदली? अगर नहीं तो कुछ और बयान सुन लीजिए।
भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। कांग्रेस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में जुटी हुई है। कांग्रेस जानती है रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन संविधान विरोधी है। कांग्रेस ये भी जानती है कि बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ये भी जानती है कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश को तबाह कर देगा। कांग्रेस ये भी जानती है कि इससे नाजायज कन्वर्जन कराने वालों को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि यही कांग्रेस का असली एजेंडा है। कांग्रेस को न हिंदुओं की परवाह है, न हमारे इस देश की परवाह है। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था, और अब कांग्रेस एससी एसटी बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। तेलंगाना के लोग तो बखूबी जानते हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम आरक्षण का खेल शुरू किया था। अब यही षड्यंत्र ये पूरे देश में करना चाहते हैं। क्या आप एससी एसटी बीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन कांग्रेस को लूटने देंगे क्या, छीनने देंगे क्या? और इसलिए आपको मेरी एक बात याद रखनी है, मेरी ये बात भूलना मत, और मेरी बात याद रखना, वंचित का जो अधिकार है, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं, और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी थी, यानी दाल में काला है। अगर अभी भी कोई शक है तो हमारे पास पीएम मोदी के कुछ और बयान भी हैं, वो भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा
बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप की तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है। आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर का भी बहिष्कार किया हुआ है। अरे 500 साल तक जिस राम मंदिर के लिए हम सबके पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों की आत्मा ये आपके कारनामे देख रही है। और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। रातों रात कर्नाटक में जितने भी मुसलमान लोग हैं, उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया। अब हुआ क्या, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया। अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या पीएम मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। पीएम मोदी के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप ही सच बता दीजिए, आपकी राय का हम इंतजार करेंगे। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। आपसे अपील है द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700006040, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।